खड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद 8 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। इस सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने कई लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, साथ ही सरकार से अपील किया कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, हनुमान मंदिर के पुजारी अद्या तिवारी और संदीप तिवारी की है। मेरा प्रयागराज के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि मेरी हत्या के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज हरिद्वार से सूचना मिली कि एक दो दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर वायरल कर देगा। उन्होंने अपने सुसाइड लेटर में आगे लिखा कि मैंने सोचा कि मैं कहां कहां सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो ही जाऊंगा। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनकी वसीयत भी सामने आई है। इस वसीयत में नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी चुना है। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की गुत्थी उलझती जा रही है तो दूसरी ओर इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई है। जहां विपक्ष पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है तो वहीं बीजेपी का दावा है जल्द ही मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रयागराज में माननीयों का तांता लगा रहा। इसी सिलसिले में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को प्रयागराज में उनके बाघम्बरी मठ स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस घटना का एक एक पहलू का पर्दाफाश होगा और दोषी को सजा मिलेगी। वहीं अखिलेश यादव ने भी महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को नमन किया। अखिलेश यादव ने मांग की है कि इस पूरे मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जानी चाहिए ताकि सच सामने आए। तो वहीं उन्होंने इसी बहाने योगी सरकार को भी निशाने पर लिया। संयुक्त राष्ट्र आमसभा को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए और आशंकाओं को देखते हुए यहां पर जो तैयारियां हैं उसको इस हिसाब से करना चाहिए ताकि हम सैन्य शक्ति का जो इस्तेमाल है वो अंतिम रूप से करें, ना कि पहली प्राथमिकता के तौर पर। उन्होंने कहा कि हथियारों से कोविड 19 महामारी या उसके भविष्य के वेरिएंट से बचाव नहीं किया जा सकता है, बल्कि विज्ञान और राजनीति की सामूहिक इच्छा शक्ति से ही संभव है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि आज अमेरिका 20 साल पहले हुए 9/11 हमले वाला देश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आज हम बेहतर तरीके से सुसज्जित हैं। प्रोपेगेंडा का मुकाबला करते हुए यूएनजीए में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ खतरनाक डंक को जानते हैं। पिछले महीने में काबुल हवाई अड्डे पर आतंकी हमले में 13 अमेरिकी जवान खोए और कई अफगानिस्तान के लोग मारे गए। साफ तौर पर जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान जो चुनौतियां सामने आने वाली है विश्व के, चाहे बात हम कर ले कोरोना की या फिर आतंकवाद की, दोनों को ही लेकर चिंता जाहिर की और साथ ही भविष्य में इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है इस पर भी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। इस बार वे क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। पीएम मोदी कल सुबह रवाना होंगे और 26 सितंबर को उनकी देश वापसी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल अमेरिका के लिए रवाना होंगे। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली व्यक्तिगत बैठक, क्वाड लीडर्स मीट और यूएनजीए में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित कोविड 19 वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 24 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी की इस बार की अमेरिका यात्रा को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। साथ ही माना जा रहा है कि मोदी की इस बार की अमेरिकी यात्रा से भारत के वैश्विक पटल पर मजबूत कदमों को और दिशा मिलेगी। भारत एयर मार्शल वीआर चौधरी को, जो कि वर्तमान में वॉइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के प्रमुख हैं, उन्हें वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वहीं आपको बता दें, एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया 30 सितंबर 2021 को सेवा से रिटायर होंगे।
एयर मार्शल चौधरी इस पदभार से पहले भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में भी अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इस क्षेत्र को काफी अहम माना जाता है क्योंकि लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ही कांधे पर थी। उन्होंने पिछले साल अगस्त में भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर पदभार संभाला था। 38 वर्षों के इस लंबे वक्त में वीआर चौधरी ने भारतीय वायुसेना के विभिन्न प्रकार के लड़ाकू और प्रशिक्षक विमान उड़ाने का अनुभव हासिल किया, जिसमें मुख्य रूप से मिग 21, मिग 23 एमएफ, मिग 29 और सुकोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमानों के परिचालन उड़ान समेत 3800 घंटे से अधिक के उड़ान का अनुभव है। 38 वर्षों के लंबे अनुभव के बाद एयर मार्शल वीआर चौधरी वायुसेना अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए काफी सफल साबित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। कोल ट्रांसपोर्ट स्कैम में ईडी द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दी। अब इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को ईडी की ओर से समन जारी हुआ है। ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। अभिषेक और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि उनसे कोलकाता में ही पूछताछ की जाए, लेकिन ईडी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से दिल्ली में पूछताछ करना चाहती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिषेक की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट को टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन पर फैसला लेना है। दिल्ली हाईकोर्ट को ये फैसला लेना है कि ईडी आरोपी को कहीं भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है या आरोपी जहां का निवासी है उससे संबंधित जोनल ऑफिस में ही पूछताछ करनी जरूरी होगी। ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को समन भेजकर आज तमाम दस्तावेजों के साथ पेश होने को कहा था, लेकिन इस पर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा था कि उनसे कोलकाता में ही पूछताछ की जाए और दिल्ली में जांच में सहयोग में बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट का इस पे क्या फैसला आता है। क्या कोटा में कोरोना वायरस का कोई अबूझ ट्रेंड, जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट तो नेगेटिव आती है लेकिन मरीजों का सीटी स्कोर आता है बढ़ा हुआ और साथ में सारे लक्षण होते हैं कोरोना वाले। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में मौसमी बीमारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तो कुछ ऐसे ही चिंताजनक तथ्य उभर कर सामने आए। इसके बाद मेडिकल कॉलेज कोटा ने इन सारे मामलों को एक खास प्रोजेक्ट में लेकर इस पर स्पेशल स्टडी कराने की बात कही है और प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही ICMR भी विजिट करने वाले हैं। इस दौरान न सिर्फ कोरोना बल्कि डेंगू और स्क्रिप्टाइफस समेत कोटा में फैल रही मौसमी बीमारियों के हालातों की समीक्षा की गई और बैठक में मौजूद कलेक्टर उज्जवल राठौर और CMHO डॉक्टर BS तंवर को बिरला ने घर घर सर्वे और साथ में संसाधन बढ़ाने के लिए कहा है। अपने कोटा प्रवास के दौरान बिरला ने इससे पहले जनसुनवाई भी की और जैन समाज के उत्तम क्षमावाणी पर्व में भी शरीक हुए। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर भारतीय सेना के रणबांकुरे युद्ध अभ्यास में जुटे हैं। सब शक्ति कमांड के आर्टिलरी विंग के ये रणबांकुरे युद्धाभ्यास के जरिए एक संदेश छोड़ रहे हैं कि भारत की सेना हर नापाक चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रेगिस्तान में धाड़ते टैंक और गरजती तोपों के बीच इन सैनिकों की चपलता देखते ही बन रही थी। 40 डिग्री से अधिक के तापमान पे भारतीय सेना के ये जाबाज अपना पसीना तो बहा रहे थे, साथ ही साथ रेतीले धोरों में धाड़ते टैंक और गरजती तोपों के बीच इनकी चपलता देखते ही बन रही थी। इस दौरान वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी आसमान में मंडराते दिखाई दे रहे थे, जो भारतीय सेना की मजबूती की मिसाल तो थे ही, साथ ही साथ दुश्मन मुल्कों को ये संदेश भी छोड़ रहे थे कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। रेतीले धोरों के बीच ये युद्धाभ्यास पड़ोसी मुल्क को भी एक चेतावनी भर था कि बाज आए नापाक हरकतों से। गौरतलब है कि इन दिनों सीमा पर ड्रोन पॉलिसी को लेकर भी बहुत सी बैठकें भी हुई हैं। ऐसे में इस युद्धाभ्यास को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत पाक सीमा से सटा सरहदी लोंगेवाला क्षेत्र हमेशा अपने शौर्य गाथाओं से चर्चाओं में रहता है, जहां एक तरफ 26 सितंबर को उपराष्ट्रपति लोंगेवाला क्षेत्र का दौरा करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ नौसेना की आज बाइक रैली लोंगेवाला पहुंची।
भारतीय नौसेना स्वर्णिम विजय वर्ष मना रही है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना द्वारा करवर से नई दिल्ली के लिए 6 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक मोटरसाइकिल अभियान चलाया जा रहा है। ये मोटरसाइकिल रैली आज सीमावर्ती जिले जैसलमेर पहुंची, जहां पर भारतीय सेना ने इनका स्वागत किया। स्वर्णिम विजय वर्ष की स्मृति में नौसेना मोटरसाइकिल रैली का जैसलमेर युद्ध संग्रहालय में मेजर जनरल AS गहलोत ने पहले इनका भव्य स्वागत किया और इस मौके पर सेना के सभी अधिकारी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति नायडू के 2 दिवस प्रस्तावित यात्रा में सम के मखमली धोरे भारत पाक सीमा के साथ साथ मातेश्वरी तनोट राय के भी दर्शन करेंगे और इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। स्पेशल कोर्ट पॉक्सो ने डूंगरपुर में आज एक बड़ा फैसला सुनाया। 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। वही पक्षद्रोही हुए पिता के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग के पिता ने दौड़ा थाने में 18 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बताया था कि 18 फरवरी 2020 को उसकी 6 साल की बेटी पड़ोस में गोंद लेने गई थी। इसी दौरान पड़ोसी युवक भार्गव उर्फ चिंटू ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। मामले की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए साक्ष्य जुटाए। आरोपी भार्गव को गिरफ्तार किया था और मामले में बयान भी दर्ज किए गए थे। कोर्ट में बयानों के दौरान नाबालिग पीड़िता, उसके पिता और गवाह मामले में घटना से मुकर गए। उनके साथ किसी भी तरह की घटना होने से इनकार कर दिया। इस पर कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता, पिता और गवाह को पक्षद्रोही मान लिया। वहीं कोर्ट ने पुलिस की ओर से पेश किए गए FSL रिपोर्ट, DNA रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर आरोपी भार्गव को लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए मृत्यु पर्यंत आजीवन सश्रम कारावास से दंडित किया है। वहीं 2,10,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। आश्चर्य की बात है कि पूरे मामले में पीड़ित पक्ष पूरी तरह से पक्षद्रोही हो गया, सभी आरोपों से मुकर गया। लेकिन पुलिस की ओर से की गई पूरी जांच में FSL और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सजा का आधार बना। इसी आधार पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।